और अब आपको राष्ट्रीय लोकदल का सड़क वाला संग्राम दिखाते हैं। बकाया गन्ना भुगतान समेत तीन मांगों को लेकर राष्ट्रीय लोकदल के नेता आज सड़कों पर उतर आए। पश्चिमी यूपी के लगभग सभी जिलों में प्रदर्शन हुआ और 24 के चुनाव से पहले बड़ा ट्रेलर दिखाया गया। पार्टी अध्यक्ष जयंत चौधरी ने सरकार पर चुभने वाला ट्वीट किया। उन्होंने लिखा, सरकार ने बस का किराया तो बढ़ा दिया, क्या गन्ना मूल्य भी बढ़ाया जाएगा। एक्ट में तो गन्ना एक्ट में लिखा है कि 8 दिन में भुगतान करो, नहीं तो ब्याज दो। ब्याज तो दूरा मूल भी नहीं दिया जा रहा था। जिस तरह के इनके कर्म हैं, जो किसान मजदूर गरीब जो सबके ऊपर ये जो उनको प्रताड़ित करने का काम कर रहे हैं, ये किसानों के नाम पर सियासत की धार है। लोकसभा चुनाव से पहले रालोद ने भाजपा के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। मंगलवार को पश्चिमी यूपी में सड़क से हुंकार भरी गई। बकाया गन्ना भुगतान से लेकर आवारा पशुओं के नाम पर 24 का ट्रेलर दिखाया गया। किसान संदेश अभियान के तहत राष्ट्रीय लोकदल लगातार किसानों के मुद्दे को हवा दे रही है और किसानों की आवाज बुलंद करने का काम कर रही है। ये देखिए किस तरीके से आज राष्ट्रीय लोकदल के जो तमाम नेता हैं वो यहाँ मेरठ कलेक्ट्रेट में यहाँ धरना दे रहे हैं, आवाज बुलंद कर रहे हैं और किस तरीके से यहाँ पर जो नारेबाजी है वो यहाँ पर की जा रही है। पूरी कोशिश की जा रही है कि सरकार पर दबाव बनाया जा सके और जो किसानों की समस्याएं हैं उनका समाधान यहाँ पर किया जा सके। राष्ट्रीय लोकदल की जो तमाम मांगे हैं वो देखिए, गन्ना मूल्य घोषित करो, आवारा पशुओं का समाधान करो और जो गन्ना बकाया गन्ना है उस बकाया गन्ने का जो भुगतान है वो करो। मेरठ से लेकर शामली तक रालोद ऐसे ही सड़क पर दिखाई दी, चेतावनी दी, अगर 27 फरवरी तक किसानों की मांग का निपटारा नहीं हुआ तो कमिश्नरी का घेराव किया जाएगा। पिछले 2 महीने से किसान आदरणीय मुख्यमंत्री जी को अपनी पीड़ा पत्र के माध्यम से पहुंचा रहे थे, लेकिन सरकार गूंगी है, सरकार कुछ सुन नहीं रही, ना सरकार को कुछ दिखाई दे रहा। तो उसी सिलसिले में आज 7 फरवरी को प्रदेश के सभी जिला मुख्यालय पर जिलाधिकारी मोदी महोदय को घेर कर ये आंदोलन चलाया जा रहा है। दरअसल रालोद के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी के निर्देश पर पार्टी के नेता और कार्यकर्ता सड़क पर उतरे थे। किसानों के नाम पर 24 का ट्रेलर दिखाया गया। एक तरह से कहा जाए तो शहर शहर सियासी शक्ति प्रदर्शन हुआ। इसमें जो है हमारी यही मांग है, तो सबसे पहले तो गन्ने का भाव डिक्लेयर होना चाहिए और जो पिछले साल का बकाया है वो मिलों के द्वारा जो है किसानों का जल्दी से जल्दी दिया जाना चाहिए, क्योंकि बड़ी वैसी परिस्थितियां हैं। आप ये देखें, आधा सीजन से ज़्यादा बीत चुका है और उसके बाद भी ना तो अभी तक भाव डिक्लेयर है ना पिछले साल का क्लियर है। गाजियाबाद में भी रालोद नेताओं ने जिला कलेक्ट्रेट पर धरना प्रदर्शन किया। सरकार को चुनावी वादे की याद दिलाई, किसानों को धोखा देने का आरोप लगाया। रालोद ने अपने प्रदर्शन से साफ कर दिया है के 24 के चुनाव में भाजपा का रास्ता पश्चिमी यूपी में आसान नहीं होने वाला, यानी पश्चिमी यूपी दिल्ली से जितना नजदीक है यहाँ की सियासी लड़ाई उतनी ही रोमांचक होने वाली है। पी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।